मुझे आगे बढ़ना पड़ा। एक वक्त वो था कि मैं कभी अपने घर से बाहर निकलती ही नहीं थी, लेकिन आज मुझे आगे बढ़ने के लिए, अपना अधिकार पाने के लिए, ताकि मैं संसार में जी सकूं। अगर हम अशिक्षित रहेंगे तो क्या हम आगे बढ़ पाएंगे? नहीं। लड़कियों को भी लड़कों के बराबर का अधिकार आजकल हमें मोदी जी ने दिया है, हमारी सरकार ने दिया है, तो हम आगे क्यों ना बढ़ें, क्यों हम पीछे रहें? क्या लड़कियों को पूरा अधिकार नहीं है? सबको पूरा अधिकार है। जितना अधिकार लड़कों को दिया जाता है, उतना ही आज के ज़माने में लड़कियों को भी दिया जाता है। लेकिन फिर भी हमारे अंदर एक डर रहता है कि हम घर से बाहर कैसे निकलें, अगर निकलेंगे नहीं तो क्या सीखेंगे। हमें निकलना चाहिए। आजकल की लड़कियां अशिक्षित हो जाती हैं, गलत रास्ते पर भटक जाती हैं। क्या हमें अपने आप को नहीं संभालना चाहिए? अपने घर की स्थिति को देखते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। अशिक्षित महिलाएँ रह जाती हैं, जो लड़कियाँ रह जाती हैं, जो पढ़ती नहीं अपने घर की स्थिति के कारण, क्या वो खुद नहीं बन सकती? अपने पैरों पर खड़ा हो, मेहनत करो, मजदूरी करो, लेकिन हम आगे बढ़ सकते हैं। अगर हम यही सोच के आज पीछे रह जाएंगे कि हम किसी और पर डिपेंड रहें, हम किसी के घर जाएंगे, उनका घर चलाएंगे, तो क्या ज़रूरी है कि वो भी हमारी सारी मनोकामना पूरी करें? ज़रूर है वो हमारी हर अधिकार हमें दे। पहले के ज़माने में लड़कियाँ अशिक्षित थीं, उन्हें कोई शिक्षा का ज्ञान नहीं था, तो उन पर बहुत सारे अत्याचार हुआ करते थे। आपने भी देखा होगा घर घर में कि आपको कुछ नहीं आता। घर चलाना भी नहीं सीखेंगे हम जब तक शिक्षित नहीं हो सकते। लड़कियों को घर चलाना नहीं, देश चलाना भी आना चाहिए। एक लड़की सब कुछ कर सकती है। हमारे देश में लड़कियां क्यों किससे पीछे रहें? आजकल की लड़कियां डॉक्टर भी हैं, तो डॉक्टर बनके सबका इलाज भी कर सकती हैं, अपनी फैमिली को भी चला सकती है। लड़की में वो ताकत है जो लड़कों से आगे भी बढ़ सकती है। अपने आप को आगे बढ़ाओ, मेहनत करो, कोशिश करो, कभी किसी मुसीबत से मत हारो। कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि मुसीबत आई है तो हम डर के पीछे रह जाएं। मुसीबत इसीलिए आती है कि वो हमें आगे बढ़ने का रास्ता दिखाती है। तब हम उस मुसीबत को सोच के कि हमें आगे बढ़ना है तो बढ़ना जरूर चाहिए। मुसीबतें हर किसी के रास्ते में आती हैं, कठिनाइयाँ सबके रास्ते में आती हैं, लेकिन आज हमने उन कठिनाइयों को अगर दूर नहीं किया तो वो ज़िंदगी भर हमारे घर में आगे बढ़ती रहेंगी और कठिनाई दिन पे दिन आती रहेंगी। लेकिन आज हम उनका डट के सामना करेंगे, तभी हम कुछ बन सकते हैं। मेरे घर की स्थितियाँ मैं नहीं पढ़ पा रही थी। 2 साल बीमार होने के कारण, पैरों से अपाहिज होने के कारण मैं नहीं पढ़ पाई। यहाँ तक कि डॉक्टरों ने भी मना कर दिया कि कोई बीमारी नहीं है। स्कूल में एडमिशन नहीं हुआ। आज मैं सरकारी स्कूल में, तुम्हारे ही स्कूल में, तुम्हारी एक बहन हूँ जो कि मैं पढ़ने आई हूँ, लेकिन फिर भी मैं एक स्कूल अटेंड करती हूँ।